अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफ़िज़ यूट्यूब चैनल को तो दोस्तों आज हमारी कैमटेशिया की क्लास नंबर टू है और फ्रेंड्स कल की क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि हम किस तरह से इसके मीडिया के सेक्शन को यूज़ करेंगे यानी अपने मीडियाज़ को किस तरह से इसके अंदर इम्पोर्ट करेंगे उसके अलावा दोस्तों हमने थोड़ा सा सीखा था कि यहाँ पर आपको जो लाइब्रेरीज़ मिलती हैं आप किस तरह से यहाँ पर आउट्रो इंट्रो अपने लोअर थर्ड्स और बाकी चीज़ें आप किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सभी कुछ आपको जो है कल की वीडियो के बाद समझ आ गया होगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पर अभी आपको सिखा दूँ जिस तरह मिसाल के तौर पर आप अपने चैनल का लोअर थर्ड जो है वो बनाना चाहते हैं जिसके अंदर आप चाहते हैं कि आप जब भी कोई वीडियो लगाएं तो उसके ऊपर आप अपना जो है वो थोड़ा सा अपना नेम या अपने सोशल अकाउंट्स को लगा सकते हैं तो दोस्तों उसको भी आप इजीली यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं जिस तरह आप मिसाल के तौर तो पर यहाँ पर उसे पकड़ें उसे ड्रैग करके अपनी उस लेयर के ऊपर रखते हैं जहाँ पर आप उस चीज़ को शो करवाना चाहते हैं तो दोस्तों उसके बाद जब आप उसे प्ले करके देखेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास जो है वो चल जाएगा तो मैं पहले अपनी वॉइस को यहाँ पर म्यूट कर देता हूँ ताकि आपको मेरी आवाज़ समझ आ जाए और जो वीडियो के अंदर वॉइस है वो आपको सुनाई ना दे तो दोस्तों यहाँ पर आप ये देखें इस तरह से आप अपना एक लोअर थर्ड भी बना सकते हैं तो हमने इसको यहाँ पर इम्पोर्ट किया इम्पोर्ट करने के बाद आपने अपनी उस लोअर थर्ड वाली लेयर को सिलेक्ट करना है जो भी इफ़ेक्ट आपने यहाँ पर लिया है तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया है तो यहाँ पर आपको योर नेम हेयर और योर सब टाइटल हेयर तो दोस्तों जब आप नेम लिखेंगे तो वो ऊपर यहाँ पर जो योर नेम है यहाँ पर आ जाएगा और जो पोजीशन है यहाँ पर आपका दूसरा नीचे वाला जो लफ्ज होगा वो आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर हम इसे लिख कर देखते हैं जल्दी से यहाँ पर हम कुछ भी टाइप करके तो देख लेते हैं असद में लिखा है और इसको हम एंटर कर देते हैं इसी तरह से यहाँ पर आप अपनी पोजिशन के अंदर भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं जिस तरह के मैं यहाँ पर यूट्यूब ही लिख देता हूँ और उसको भी एंटर वाला बटन प्रेस कर देता हूँ तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देखें अब अगर हम इसे प्ले करें प्ले करके दोबारा से चलाएं तो आपको समझ आ जाएगी कि कितना प्यारा हमारा जो है वो एनिमेशन डिज़ाइन हो गया है तो यूट्यूब आपको भी नज़र नहीं आ रहा होगा बिकॉज जो यूट्यूब है वो ब्लैक कलर का था तो इसीलिए वो उसके साथ मर्ज हो चुका है तो हम इसे थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं ताकि आपको यूट्यूब भी लिखा हुआ नजर आ जाए तो दोस्तों इस तरह से आप अपना जितने भी सब होंगे आप उन्हें ऐड कर सकते हैं और आप इन्हें बड़े अच्छे तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं कैमटेशिया के अंदर तो फ्रेंड्स अब चलते हैं अगली चीज़ की तरफ़ यानी ये हमने दो टॉपिक्स पढ़ लिए मीडिया और लाइब्रेरी तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर नीचे वाली साइड में आपको एक ऑप्शन और मिलता है जिसका नाम है कॉल आउट्स तो दोस्तों इसके अंदर आपको कुछ कॉल आउट्स जो है कैमटेशिया की तरफ से जो आपको बने बनाए ही मिल जाते हैं जिनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपकी ये फ़ोटो है और मैं यहाँ पर कुछ कहना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ पर वो जो कॉल आउट है कहने वाला ले सकते हैं जिस तरह की हम यहाँ पर इसे लेते हैं और इसको यहाँ पर लाकर इंपोर्ट कर देते हैं और दोस्तों उसके बाद आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं यानी आप इसको अलग अलग जगहों से पकड़ कर अपने हिसाब से अपने करैक्टर के हिसाब से आप एक एनिमेशन जो है वो इसको दे सकते हैं इसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर जो है वो लिख देते हैं मिसाल के तौर पर इसके अंदर हम टाइप कर देते हैं कि सब्सक्राइब करें तो इस पर कॉल आउट्स को आपने यहाँ पर आके सेलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ए बी सी वाला बटन मिल जाएगा तो आप इसे डबल क्लिक करें तो दोस्तों यहाँ पर इसे जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इसके अंदर लिखने के लिए ऑप्शन जो है वो आ जाएंगे तो आप यहाँ पर कुछ भी इसके अंदर टाइप कर सकते हैं जो भी आप टाइप करना चाहते हैं उसके बाद फिर से आप एंटर या प्रेस कर दें या आप इसके स्क्रीन के यानी ये जो आपका कॉल आउट्स है इसके इर्द गिर्द कहीं पर आप क्लिक कर सकते हैं तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा एक ये जो कॉल आउट है वो आ चुका है और दोस्तों अब हम इसको मिसाल के तौर पर दिखाना चाहते हैं थोड़ा सा एनिमेट करता हुआ जो कि कैमटेशिया का ख़ासा है कि कैमटेशिया के अंदर आप अपने उस प्रोजेक्ट को अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एनिमेट भी कर सकते हैं तो दोस्तों उसके लिए आप इसके जो सारे फ़ीचर्स हैं ब्लर के कॉल आउट्स के ये सारे आप ख़ुद से ही एक्सप्लोर कर सकते हैं मैं आपको इसको एक एनिमेशन देकर पहले दिखाता हूँ उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर उसके नीचे ट्रांजेक्शन है और यहाँ पर एंड वाली साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिहेवियर का यानी ये फिफ्थ नंबर पर ऑप्शन है जिसका नाम है बिहेवियर तो इसको आपने सेलेक्ट कर देना है तो यहाँ पर आपको इसके बिहेवियर्स जो हैं वो मिल रहे हैं तो हम यहाँ से एक ये वाला जो ड्रिफ्टिंग का बिहेवियर है उसको यहाँ से लेते हैं और उसको पिक करके आपने उस एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने मूव कर देना है तो दोस्तों अब अगर हमने इसको यहाँ पर मूव कर दिया है तो अब हम इसको प्ले करके देखते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि अब हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये एनिमेट होता हुआ आएगा और एनिमेट होता हुआ ही यहाँ से डिसपियर हो रहा है तो दोस्तों इस तरह से आप अगर इस ऑब्जेक्ट को नहीं रखना चाहते आप कोई और यहाँ पर एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो आप उस object, उस एनिमेशन को यहाँ पर क्लिक करें और लाकर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें तो फ्रेंड्स अब अगर इसको हम चलाएंगे तो यहाँ पर आप देखें हमारा इस तरह से एनिमेशन जो है वो बन चुका है तो दोस्तों इस तरह से आप इसके अंदर बहुत सारे एनिमेशन को यूज़ कर सकते हैं अलग अलग एनिमेशन आप अपने करैक्टर के हिसाब से अपनी अपनी नीड के हिसाब से आप इसके अंदर लगा सकते हैं जिस तरह के यहाँ पर अभी हमने ये एक्सप्लोर्ड वाला एनिमेशन लगाया है तो अब अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर आप देखें ये इस तरह एक्सप्लोर्ड होके आता है ऊपर से और साइड में जा रहा है तो दोस्तों इस तरह से आप इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को एनिमेशन भी दे सकते हैं उसके बाद वापस आ जाते हैं अपने कॉल आउट्स के सेक्शन के अंदर तो दोस्तों इसके अंदर आपको यहाँ पर ये यह सारे फीचर्स जो कि कॉल आउट्स हैं ये तो आपको मिल ही रहे हैं इसके बाद आप यहाँ पर आगे एरोज़ भी लगा सकते हैं अपनी किसी वीडियोज़ के ऊपर आप कोई एरो वगैरह इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो आप वो वाला एरो भी यहाँ पर लगा सकते हैं इसके अलावा दोस्तों यहाँ में आपको एक और ऑप्शन इसके साथ ही आपको मिल रहा है जिसका शेप्स है तो आप अपने किसी वीडियो के ऊपर कोई शेप अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप उस तरह की कोई भी शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं फ्रेंड्स इसके अलावा आपको यहाँ पर जो हाईलाइट या ब्लर का ऑप्शन है ये मिल रहा है तो आप अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लर करना चाहते हैं जस्ट आपने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपका काम जो है वो होता जाएगा तो इस तरह से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो ब्लर हो गया इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ पर इसको भी अगर ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आप सिर्फ आपका वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो है वो नज़र आएगा उसके अलावा जो सारी फ़ोटोज़ हैं वो धुंधली हो जाएंगी इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ से हाईलाइट का फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए आप किसी नंबर्स को हाईलाइट कर सकते हैं जिस तरह से मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ तो इस तरह से आप अपने नंबर्स को भी हाईलाइट जो है वो कर सकते हैं दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आपको ये एक हैंड टूल मिल रहा है तो दोस्तों इस हैंड टूल को भी यूज़ आप कर सकते हैं इसके साथ आप अपनी फ़ोटोज़ को जो है वो उसको हाईलाइट कर सकते हैं ब्लर कर सकते हैं यानी इसमें यह होता है कि आप अगर सिंपली किसी ब्लर को यूज करते हैं तो वो आपको चौकोर शक्ल में या राउंड शक्ल में आपको मिल जाता है मगर ये जो हाईलाइट है ये जो थम वाला ऑप्शन है तो इससे ये होगा कि आप अपने खुद से इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने उस करेक्टर को जिसके इर्द गिर्द का एरिया है उसको आप ब्लर कर सकते हैं दोस्तों तो इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास स्केचेस एंड मोशंस हैं जो कि हर एक यूट्यूबर की बहुत ही ज़्यादा नीड है इनको यूज करने के लिए तो ये वाले जो मोशनस में आप वीडियो में आप मुझे देखते होंगे मैं लगाता हूँ तो मैं यहीं से लगाता हूँ तो जिस तरह यहाँ पर हम ये एक रेक्टेंगल टूल को उठाते हैं और इसको यहाँ पर ला मूव कर, कर देते हैं तो दोस्तों अब आप अगर इसको प्ले करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ और आप क्या ढूंढ रहे हैं तो इसको अगर हम प्ले करें तो यहाँ पर आप ये देखें मेरे जो फेस के इर्द गिर्द एक शेप ड्रॉ हुई है ये वाली शेप काफ़ी सारे यूट्यूबर्स इस्तेमाल करते हैं और बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई ये वाली शेप कैसे बनती है तो इसको आप कैम्टशिया के अंदर काफ़ी ईजीली यहाँ पर लगा सकते हैं इसको आप यहाँ पर ईज़िली मैनेज कर सकते हैं इसको बड़ा कर सकते हैं छोटा कर सकते हैं जैसे भी आप करना चाहें और दोस्तों यहाँ पर साइड बार में आपको इसकी प्रॉपर्टी बार भी मिल जाती है जिसके अंदर आप इसकी थिकनेस को इनक्रीज़ कर सकते हैं आप इसकी ड्रॉ टाइम को बढ़ा सकते हैं यानी आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉ हो तो इसको अगर हम इंक्रीज़ कर दें तो अब आप देखेंगे कि हमारी ये जो शेप है कितनी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यहाँ पर ड्रॉ हो रही है और इसको आप इसी तरह से इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं इसको आप फ्लिप कर सकते हैं हर हॉरिजोंटली वर्टिकली जिस तरह भी आप इसको मूव करना चाहें तो फ्रेंड्स इसके अलावा लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन बचता है जो कि इस तरह का है अगर आप कोई कमांड वग़ैरह यहाँ पर लिख कर किसी को बताना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो इसके अंदर आप इजीली अपनी कमांड्स को टाइप कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों साइड में आपको कीज़ का ऑप्शन मिल जाएगा तो इसके अंदर आप अपनी जो भी कमांड आप लिखना चाहें जिस तरह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आर्ट आप यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपने बस बटन प्रेस करना है आल्ट आल्ट मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर हमारे पास ऑल्ट जो है वो सिलेक्ट हो चुका है इसके अलावा साथ ही मैं स्पेस को प्रेस कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देखें कि हमारी वो वाली कमांड इसने पिक कर ली है और उस कमांड को हम अपनी वीडियो के अंदर इजीली यूज़ कर सकते हैं दोबारा से आप की इस पर क्लिक करेंगे और आप कोई भी की प्रेस करें जिस तरह मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो एंटर और साथ ही मैंने बैक स्पेस को प्रेस किया तो एंटर प्लस बैक स्पेस जो है वो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है तो इस तरह से दोस्तों आप अपने यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इन सभी फीचर्स को इसके अलावा यहाँ पर आ, हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है जिसको कहते हैं ट्रांजेक्शन तो ट्रांजेक्शन आपको पता ही होगा कि एक वीडियो से दूसरी वीडियो में अगर हम शिफ्ट करते हैं या एक सीन से दूसरे सीन में शिफ्ट करते हैं तो आपको वहाँ पर ट्रांजेक्शन का यूज करना पड़ता है तो फ्रेंड्स ये हमारी कुछ ट्रांजेक्शन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे जिस तरह हम यहाँ पर फ्लिप ट्रांजेक्शन का यूज़ करके देख लेते हैं तो आप फ्लिप वाली ट्रांजेक्शन को यहाँ पर लाएं और इसको यहाँ पर लाकर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें तो फ्रेंड्स अगर अब हम अपनी वीडियो को प्ले करेंगे तो आप ये देखें ये हमारी वीडियो ट्रांजैक्शन इसके ऊपर लग चुकी है जो कि काफ़ी सारे लोग अपने दो या तीन सीन्स को इस्तेमाल करने के लिए यूज़ करते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी ट्रांज़ेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर आपको नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन मिलती हैं इसके अलावा आप इन ट्रांज़ेक्शनस को कैमटेशिया के स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर ऊपर आपको एरो का बटन मिल रहा है तो आप यहाँ से डाउनलोड्स में जाकर आप यहाँ से अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होगा तो आप केमटेसिया स्टोर से मज़ी इस तरह के एनिमेशन को ट्रांज़ेक्शन्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास लास्ट एक ऑप्शन आ जाता है बिहेवियर का तो इसको आपको मैंने बता दिया है कि किस तरह से आप अपनी किसी भी लेयर को यहाँ पर मूव करवा सकते हैं आप जस्ट उसको सिंपली उठाएँ और ड्रैक कर दें उस लेर के ऊपर और उसके बाद आप देखेंगे कि वो लेयर आपको क्या क्या करके दिखाती है जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक बिहेवियर को यूज़ किया है तो अब हमारी ये जो फ़ोटो है हल्की सी आपको नीचे से ऊपर की तरफ पिंच होती हुई नज़र आ रही होगी तो दोस्तों इसी तरह से आप यहाँ पर इसको काफ़ी सारे चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं इन इस बिहेवियर्स को यानी काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स को आप यहाँ पर एनिमेशन जो है वो करवा सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की जो हमारी वीडियोज़ हैं वो पसंद आई होंगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा शेयर कीजिएगा और हाँ अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते ही रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें इन हम आपको यहाँ पर एडिटिंग से लेकर वीडियो अपलोडिंग और अपलोडिंग से लेकर चैनल को मोनेटाइज करवाने तक की सारी वीडियोस को आपके साथ शेयर करते रहेंगे और इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर के रिलेटेड न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और कभी कभार हम फ्री इंटरनेट के रिलेटेड भी कुछ ना कुछ टिप जो देते रहते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब किए रखें और इसी तरह से लाइक like भी करते रहा करें वीडियो को देखते रहा करें उम्मीद करता हूं ये सारी वीडियोस आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प करेंगी आपके यूट्यूब कैरियर को स्टार्ट करने के लिए तो आपसे मिलता हूं किसी अगली वीडियो के अंदर तब तक दे दीजिए इजाज़त दुआओ में याद रखिएगा अलैक